1,90,000 रुपए, 1,70,000, 1,50,000 ओनली, 1,70,000 मात्र, 1,50,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और कैलाश। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार मैं फिर से आज आपको लेके आया हूं चावला मोटर पे, जहां आपको पता है वैरायटी की कोई कमी नहीं होती। जो गाड़ी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं लो बजट कार। इधर से मैं बात करूँ तो मारुति की खड़ी हुई है, पोलो की मेरे बैक साइड में खड़ी हुई है। सारी ये जितनी भी कार होंगी सारी हैचबैक सेगमेंट की आज मैं कार दिखाऊंगा। तो एक एक करके सारी गाड़ियों की डिटेल, ड्रिवन सब कुछ बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बुला लेता हूँ चावला मोटर से प्रमोद जी को। सर जी आ जाइए, कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्या दिखाने वाले हो खास? आज आपको हम दिखाएंगे छोटी गाड़ियाँ, सब लो बजट, पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, कोई भी फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली और लो बजट। शुरुआत इसी से कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिटेल है ये सर? मारुति की रिट्स है, 2010 मॉडल है। ओके, बहुत ही अच्छी गाड़ी। कलर आपने देखा, यूनिक कलर है, एकदम बहुत ही अच्छा कलर है इसका सर। 2010 का मॉडल है। वेरिएंट कौन सा है ये? VXI वेरिएंट है सर। पेट्रोल, प्योर प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। सीएनजी की तो नहीं लगी कभी? कुछ भी नहीं सर। कितनी चला दी ये? चली है आपकी प्योर पेट्रोल पे मात्र 57,000 किलोमीटर। 57,000 किलोमीटर VXI वेरिएंट। VXI वेरिएंट कितना माइलेज रहता है इसका? इसका माइलेज आराम से आता है 13-14 आराम से देती है। क्या डील रखी है आपने? बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटे छोटे प्राइस, 1,90,000 रुपए। गाड़ी देखोगे फेल नहीं करोगे, मजा आ जाएगा गाड़ी में बैठ के। गाड़ी काफी अच्छी है, साफ सुथरी है, क्लीन है। 1,90,000 डिमांड है, बाकी तो आप पकड़ लेना प्रमोद जी को। वीडियो देख के आए हम कैलाश जी की, हमारा नाम जरूर मेंशन किया करो। अब एक और आ गई है रेड कलर की वॉक्स, रेड कलर की वॉक्स वैगन पोलो पेट्रोल। यह ठीक, 2013 का मॉडल है। कलर वाइज आपको दिख रही है दोनों गाड़ियों के कलर बड़े यूनिक आए हैं। बहुत अच्छा कलर है, वो बहुत अच्छा, वो भी अलग कलर है, ये भी अलग कलर है। तो ये वेरियंट कौन सा हो जाता है? ये वाला आपका हाईलाइन है। तो क्या क्या मिल जाता है इसमें? अलॉय व्हील, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं आपके, कंप्लीमेंट स्टीरियो आ जाता है, एयरबैग आ जाते हैं। ओके, सब कुछ होता है। अच्छा, जो ये सीट कवर लगे हुए हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। कितनी ये चल गई, कौन सा? ये आपकी 55,000 चली हुई है। ओनर कौन सा? 2013 मॉडल है। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। ये प्राइस इसका है मात्र 3,00,000 रुपए। चलिए ठीक है, हाईलाइन टॉप एंड वेरियंट है। अब एक और दिखा देते हैं आपको, ये यूथ की पसंद i20 एलाइट। एलाइट में कौन सा है वेरिएंट? एलाइट है ये स्पोर्ट। क्या डिटेल है बाकी? 2016 है ये, आपकी 60,000 किलोमीटर चली हुई है। डीजल है ये, डीजल है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है। व्हाइट कलर आपको दिख ही रहा है। इसमें भी अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक का इंटीरियर बना हुआ है इसमें। ये जो रेड एंड ब्लैक का डुअल टोन इंटीरियर, ये कंपनी फिटेड है? नहीं, नहीं, बनाया हुआ है बाद में। ये डैशबोर्ड पे भी आफ्टर मार्केट? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर छत पे मैं देख रहा हूँ इस पर रैपिंग हो रही है, रैपिंग हो रखी है ब्लैक टेप। एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुई? नथिंग नथिंग सर, नॉन एक्सीडेंटल होती नहीं हमारे पास गाड़ी। कितनी ये चला रखी है? ये सर 60,000 चली हुई है। कितनी ठोकी हुई है? बंपर दोनों आगे पीछे पेंट है, दोनों पेंट, दोनों बंपर पेंट है। क्या क्या मेजर हिटिंग? कुछ नहीं है मेजर एक्सीडेंट, मेजर नहीं है, बस स्क्रैचेस थे बंपर पे, थोड़ा बहुत लगा हुआ था, टच हो रहा था, तो उसके लिए पेंट कराया। दिल्ली नंबर। क्या डील रखी है? ये मिलेगी आपको 4,85,000 रुपए की मात्र। ये है i20, ये i20, i20 मैग्ना। ये टाइप 1 है क्या? टाइप 1 है, स्टार्टिंग में जो, बिल्कुल 2010 मॉडल है। ठीक है, ये आपकी HR नंबर है, HR26 पेट्रोल में ही है, पेट्रोल प्योर पेट्रोल। बाकी क्या क्या मिल जाता है मैग्ना में? वो नॉर्मल आपके पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, एसी सब कुछ ही होता है नॉर्मल। इसमें अलॉय वगैरह नहीं? नहीं अलॉय नहीं आते, लगे हुए हैं अलॉय आफ्टर कंपनी, आपको मार्केट लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट, इसमें लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट, इसमें कंपनी से अलॉय नहीं आते। कितनी चली है ये आपकी? चली है 75,000। कितना पेंट है इसमें सर? 5-6 पीस पेंट लगा के चलो, 2010 का मॉडल है, वो दिख रहा है आपको और हमें भूलने की जरूरत नहीं है। हमारा जिम्मेदारी है पूछने की। प्राइस बताओ सर, क्या रहे? प्राइस मात्र और मात्र 1,70,000 रुपए, 1,70,000 ओनली। चलिए 1,70,000 की आपको ये मिल जाती है। हाँ, ये आगे फोर्ड की, ये फोर्ड की फीगो पेट्रोल। क्या डिटेल है सर इसकी? ये सर फोर्ड की फीगो है, 2010 मॉडल है, 85,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल ओनर।
वेरिएंट क्या कहलाता है इसका? ये ZXI ZXI पेट्रोल में ही है, पेट्रोल में। ये भी पेंट है, ये भी पेंट है इसमें, क्योंकि 2010 है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो मतलब इंजन और मैकेनिकली गाड़ी परफेक्ट, इंजन मैकेनिकल वाइज हमारी गाड़ियां टंच है। देखिए हाँ। पेंट 2010 और 2010 साल हो गए हैं। तो गाड़ी कहीं से लगी हो, पेंट हुई हो, फिर लगी हो, फिर पेंट हुई हो, नहीं कह सकते। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से चावला मोटर से निकल के जाऊँ, अगले रोड पे जाके बस हो जाए। उसके लिए भी हम बैठे हैं सर। हैं? उसके लिए भी हम बैठे। दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इसका वो रजिस्ट्रेशन कितनी रखी डिमांड? इसकी डिमांड अब हमारी है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 ओनली। चलिए, फोर्ड फीगो हो गई। अरे ये कौन सा ब्रांड? ये सर बहुत ही नया यूनिक ब्रांड है, शेवरोले की सेल युवा। सेल आती है वो डिक्की वाली होती है, ये उससे ही छोटा हैचबैक सेल युवा हैचबैक हो गई, लाइक स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर जैसे। बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दिल्ली नंबर है, 2013 मॉडल है, सिंगल ओनर है, बहुत ही शानदार गाड़ी, बहुत ही शानदार गाड़ी। शेवरोले की गाड़ी बोलने की जरूरत ही नहीं, शेवरोले इतनी मस्त गाड़ियाँ होती है शेवरोले की। ये पेट्रोल है? प्योर पेट्रोल। कितना माइलेज रहता है इसका? सर माइलेज इसका यही आता है 12-13-14 चलाने वाले के ऊपर है, दिल्ली नंबर है। कितने इसमें पीस पेंट? इसमें भी हैं? इसमें है सर, इसमें भी हैं। दोनों गाड़ियों में पीस पेंट है। क्या रखा है प्राइस? ये 1,70,000 रुपये मात्र, 1,70,000। आ जाओ और ले जाओ। नॉन नेगोशिएबल या नेगोशिएबल? नॉन नेगोशिएबल सर, ऐसा मत। नॉन नेगोशिएबल सर, जो भी हमारे व्यूअर हैं इतना प्यार मोहब्बत करते हैं आपके पास आते हैं सर। देखिए आपके व्यूअर्स आएंगे, आपका नाम लेंगे तो आपकी शर्म तो करनी पड़ेगी सर, इसमें तो वो दोहराया है नहीं, शर्म तो करनी पड़ेगी। अब एक और आ गई, सेम है? सेम है सर, सब कुछ सेम है। कलर अलग है? कलर अलग है बस, बाकी सब कुछ सेम है। किलोमीटर ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। प्राइस भी सेम है, 1,70,000। अच्छा, 2013 मॉडल। ये भी 13। कलर डिफरेंस बस ग्रे और सिल्वर, बस थोड़ा सा कलर का अंतर है, बाकी मॉडल फीचर्स हैं वो सब सेम है। सेम। बाकी गाड़ी ये भी मेंटेन है, बढ़िया। हाँ, अच्छी है, साफ सुथरी, अच्छी गाड़ी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंजन मैकेनिकली वाइज? उसके लिए तो हमारी कोई भी गाड़ी हो सर, इंजन मैकेनिकली कोई भी गाड़ी हो, आप बेचिंत होकर आराम से लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये लो बजट, ये लो बजट की ज़ेन एस्टीलो VXI 2010 मॉडल है, 82,000 किलोमीटर चली हुई है। इतनी इतनी चलाते हैं क्या लोग आप? ऐसी कौन लेता है? आप देखो तो खड़ी है गाड़ी, गाड़ी खड़ी थी जिसकी कस्टमर की लेके आया, खड़ी थी। अच्छा, उस एक बंदा चलाने वाला, उसके पास पहले उसने ज़ेन एस्टीलो ली होगी फादर के लिए, ओके, उसके बाद जब उसने फिर वरना भी लिया, सफारी भी उसके पास है, BMW भी उसके पास है, तो अब वो कौन सी गाड़ी चलाएगा कौन सी नहीं है वो खुद कंफ्यूज है। ठीक है, सिल्वर कलर है, बहुत ही शानदार, सिर्फ बम्पर पेंट है सर, 2010 का मॉडल है, मेंटेन इतनी है, सिर्फ बम्पर पेंट है। आराम से चेक करो, आप भी चेक करो, आपके व्यूअर्स आएंगे उन्हें ही टोटल चेक कराएंगे, सिर्फ बम्पर पेंट आएगी। बम्पर तो पेंट हम बात है, लेकिन डर इसी बात का रहता है एक्सीडेंटल ना हो। चावला जी बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि बेचिंत रहिए सर, नॉन एक्सीडेंटल के लिए आप बेचिंत रहिए। अच्छा, ये भी पेट्रोल है? CNG? प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। ये भी दिल्ली नंबर। फीचर्स तो वही नॉर्मल नॉर्मल फीचर्स, पावर विंडो होती है, चारों होती है। क्या रखा है सर? 1.5 लाख रुपए मात्र 1,50,000। 1.5 लाख 2010 थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी गाड़ी है सर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ी मिलती नहीं है। चलिए, अच्छे पैसे। फिएट लीनिया 2011 मॉडल, प्योर पेट्रोल है, ये आपकी 88,000 किलोमीटर चली हुई है। कितनी पेंट है ये? है सर, इसमें है पेंट, ओके, नीचे नीचे पेंट है। इसकी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? नॉन एक्सीडेंटल गारंटी हमारी सर। दिल्ली रजिस्ट्रेशन? दिल्ली, ये HR है, HR है सर, गुड़गांव। क्या प्राइस रखा है इसका? ये मात्र मात्र एक ही प्राइस, यस और नो, 1,75,000 ओनली। चलिए, 1.5-2 के बीच सब सर, यही इसी रेंज की गाड़ी। ये एक अच्छी गाड़ी आ गई। हाँ, ये थोड़ी ऊपर रेंज की गाड़ी आ गई थोड़ी। ये डिजायर? डिजायर। क्या डिटेल है मुझे? ये 2013 का मॉडल है, VXI है। प्लस पॉइंट इसमें ये है, CNG ऑन पेपर है, CNG लगी हुई है, ऑन पेपर चढ़ी हुई है, लेकिन जो CNG वो बाहर से है। बाहर से, बाहर से, बाहर से। डिजायर में कंपनी फिट CNG नहीं आती? नहीं आती डिजायर में, नहीं आती स्विफ्ट में, नहीं आती रिट्स में, नहीं आती। ओके, वैगनर में आती है? वैगनर में आती है, ऑल्टो में आती है, अर्टिगा में भी आती है। ओके, इन तीनों गाड़ी में आती है। और बाकी इसमें क्या क्या मिल जाता है? VXI में पावर विंडो, नॉर्मल नॉर्मल है सब कुछ, पावर विंडो, आपका AC, हीटर, पावर स्टीयरिंग सब होता है। ओके, मैकेनिकली परफेक्ट? मैकेनिकली बम, AC, ऑल सब कुछ ओके, ऑल फंक्शंस वर्किंग, ऑल फंक्शन वर्किंग सर। ये दिल्ली? दिल्ली। क्या डिमांड? 2013 मात्र और मात्र 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 ओनली। गाड़ियां तो दिखा दी, अब थोड़ा सा बता दिए लोन वोन में क्या सुविधा कर रखे हैं? कैलाश जी, अभी जो है हम दिल्ली NCR के जो कस्टमर्स हैं उन्हीं का लोन हो रहा है, ठीक है। बाकी पैन इंडिया का लोन इस समय अवेलेबल नहीं है ड्यू टू जो पैंडमिक है ये, इसकी वजह से, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी, कोई दिक्कत नहीं। ये है RTO में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब एक देखिए ना, जहाँ 70
बंदों की टीम थी आरटीओ में, अब वही टीम घट के 7 बंदों की रह गई है, 10 बंदों की रह गई है, तो प्रॉब्लम आएगी, वर्किंग लोड बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो कोई इनमें दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से, इनमें एक आध गाड़ी पे ही लोन होगा। हाँ, एक आधी गाड़ी पे लोन होगा, एक आध पे होगा, एक जैसे आपकी i20 हो गई, डीजल वाली पोलो हो गई, एक डिजायर हो गई, दो तीन गाड़ियों पे होगा इसमें लोन, बाकी सब आपको कैश में ही लेनी पड़ेंगी। बाकी सारा इनका जो ट्रांसफर होता है वो आप ही करवा देते हो ना सर, ट्रांसफर एनओसी वगैरह जो भी कुछ है, उसके चार्जेस अलग होते हैं, नॉमिनल चार्जेस है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हम जो भी बहुत सारे हमारे मित्र जो है ना दिल्ली एनसीआर से बाहर से भी देख रहे होते हैं, वो भी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सुविधा कर रखी? बिल्कुल है सर। ओके, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ कहाँ तक भिजवा रहे हो आजकल? ऑल ओवर इंडिया सर, कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। तो उसके चार्ज जो है, चार्जेस जो हैं वो आप हम आपके कस्टमर, जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे, व्यूअर्स हमारे, वो बताएंगे हमें कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे उनको चाहिए, उसके हिसाब से पैसे हैं, गाड़ी के हिसाब से पैसे, छोटी गाड़ी के अलग पैसे, सेडान के अलग, बड़ी गाड़ी के अलग। आपको घर बैठे भी मिल जाएगी गाड़ी, बाकी गाड़ी की कंडीशन आप कुछ तो हम वीडियो में दिखाई देते हैं, बाकी अगर कोई और देखना चाहे तो आप कुछ वो करा देते हो, वॉक थ्रू करा देते हो? बिल्कुल करा देते हैं। ठीक है, तो वॉक थ्रू पे भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद प्रमोद जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियों के साथ, लो बजट गाड़ियों के साथ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। खत्म करता हूँ वीडियो को उन्हीं दो शब्दों के साथ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्वस्थ मत रहो। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।